नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, क्योंकि आपको बता दें कि 13 घंटे के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और वहीं पर रास्ते में फंसी गाड़ियों को अब प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें मूवमेंट के लिए खोला जा रहा है। क्योंकि आपको ये बताएं कि सुबह सवेरे एक खबर सामने आई थी जहां पर समरोली में बोल्डर गिरने की वजह से जो हाईवे था वो बंद हो गया था और उसके बाद 13 घंटे के बाद अब हाईवे को बहाल कर दिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। रास्ते में जितनी भी गाड़ियां फंसी थी उन्हें प्राथमिकता के तौर पर यानी कि प्रायोरिटी बेसिस पर छोड़ा जा रहा है और मूवमेंट को फिर बहाल किया जा रहा है। और लैंडस्लाइड आने की वजह से, बोल्डर गिरने की वजह से ये जो हाईवे था ये बंद हो गया था, जिसके बाद से जो गाड़ियां वहां फंसी थी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि समरोली में बोल्डर गिरने के बाद अब 13 घंटे के बाद हाईवे को खोल दिया गया है, यानी कि हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। जैसे ही ये बोल्डर गिरा था समरोली पे, उसके बाद से ही ये कार्य शुरू कर दिया गया था ताकि यातायात को खोल दिया जाए। क्योंकि इस बीच हमें ये देखने को मिलता है बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं उस पर हाईवे पर बर्डन पड़ जाता है और अगर इस हाईवे को जल्द नहीं खोला जाता तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रक और साथ ही साथ जो यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल के साथ लाइटर मोटर व्हीकल फंसे हैं उसकी वजह से परेशानियां होना काफी ज्यादा स्वाभाविक थी। और वहीं पर बोल्डर गिरने की वजह से अब 13 घंटे के बाद हाईवे को बहाल कर दिया गया है, यातायात के लिए से खोला गया है। लेकिन अब मूवमेंट पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं अभी फिलहाल के लिए वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समरोली के पास जो हाईवे पर काम चल रहा है उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को आए दिन देखने को मिलती है। खासकर बरसात के मौसम में बात करें तो बरसात के मौसम में जहां पर आए दिन हाईवे बंद रहता है, थोड़ी सी बारिश होने की वजह से हाईवे पर यातायात सबसे पहले बाधित हो जाता है। और वहीं पर अब एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है कि बोल्डर गिरने की वजह से समरोली के पास, जो कि उधमपुर के पास समरोली इलाका पड़ता है, वहां पर हाईवे को बंद कर दिया गया है और उसके साथ साथ अब 13 घंटे के बाद इसे खोला गया है, यातायात बहाल की गई है। लेकिन वहीं पर अब रिस्ट्रिक्शंस क्या कुछ है मूवमेंट पर रहेगी, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि प्रायोरिटी बेसिस पर यानी कि प्राथमिकता के तौर पर गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनका क्या होगा, जो पेरिशेबल सामान है, जो खराब होने वाला सामान है, उनको किस तरीके से छोड़ा जाएगा और मूवमेंट पर, उनकी मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे उसको लेकर क्या कुछ प्लान ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयार किया गया है और खासकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किस तरीके से गाड़ियों को अभी बहाल किया जा रहा है और क्या सब पूरे तरीके से इसे खोल दिया गया है और अभी कार्य चल रहा है या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और संवाददाता जुड़ने के बाद से हम पूरी जानकारी लेंगे कि 13 घंटे के बाद ये जो बहाली की गई है नेशनल हाईवे की, इस बीच कितनी गाड़ियां नेशनल हाईवे पर फंसी हुई थी और कितनी गाड़ियों को अब पहले छोड़ा जा रहा है। खासकर लाइटर मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी मूवमेंट पर, पहले प्राथमिकता के तौर पर हैवी मोटर व्हीकल्स को जाने की इजाजत दी जा रही है या फिर लाइटर मोटर व्हीकल्स को, और दोनों तरह से ट्रैफिक को बहाल किया गया है या नहीं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो किशोर से जानते हैं, किशोर आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब समरोली के पास से बोल्डर गिरने की वजह से हाईवे बंद किया गया था तो करीबन कितनी गाड़ियां फंसे होने के अंदेशे लगाए जा रहे थे? बिल्कुल, देखिए सुबह से बीती रात से जो था राजमार्ग को वही जो नाम है बल्कि पिछले दिनों में करीब पहले इससे बड़ा जो था राष्ट्रीय राजमार्ग जो था यातायात के लिए बंद हुआ था। करीब 13.5 घंटे के बाद है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार से जो है वो बहाल कर दिया गया जी। लेकिन आज हम साफ तौर पर जुखैन से मैं बात करूँ, जुखैन बात करूँ, खयातू में तहत में जो कोई कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाहता था कहीं ना कहीं 20 घंटे के बाद उनको वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दूसरी बात आपको बता दूं कि अभी की मैं आप राष्ट्रीय राजमार्ग की सूरत हाल की करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो दिया गया है और बड़े बड़े को पत्थर जो बोल्डर गिरे थे उनको बर्दाश्त करने के बाद ये जो लोग थे कहीं ना कहीं आज हमने ये साफ देखा था कि उसी तरह से जो लोग थे जो करने के लिए मजबूर हो गए थे, जो स्टूडेंट कॉलेज की तरफ आना चाहते या स्कूल की तरफ आना चाहते थे उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी भी कहीं जो ट्रैफिक विभाग तरफ डीएसपी ट्रैफिक से बात की है आपकी तरफ, ये कहा जा रहा है कि कहीं इस तरह से हयातों की तादाद जो गाड़ियां कश्मीर
जम्मू की तरफ आना चाहती थी, उनको आस्था आस्ता जो है वो गाड़ी को भेजा जा रहा है। जी बलवी, बिल्कुल आपसे ये भी किशोर जानना चाहेंगे कि 13 घंटे के बाद हाईवे को खोला गया है, इस बीच जो जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज गाड़ियों को दी जाती है, खासकर जैसे आप बता रहे हैं कि देर रात ये जो पूरा बोल्डर गिरा था इसकी वजह से हाईवे बंद हो गया था, तो उस बीच लाइटर मोटर व्हीकल खासकर जो यात्री वाहन है वो भी फंसे थे बीच में, तो क्या उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो उन तक किस तरीके से पहुंचाई गई है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ने कहा कि कहीं ना कहीं ये वो आप जुखैनी और ये सरमोली वो लगता है आज आपने देखा कि बना होता है, लेकिन हम ये साफ पर देखा कि आज जो लोकल रूप थे चुनैनी डोडा भदवा या पत्नीटॉप, टूरिस्ट भी हमने काफी देखे जो पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहते थे, उनको कहीं काफी दिक्कतों का जुखैनी चौक पे सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से ये करीब 10 बजे के जहाँ पे सरमुक्ति के बाद जो बड़े जो फोल्डर दिखे थे उनको तो मशीनरी नेशनल हाईवे था जो कैंप कंपनी वहां पे कार्य कर रही थी, काफी मुशक्कत के बाद जो बड़े बड़े जो बोल्डर उनको क्रॉस करने के बाद जो है था वो राष्ट्रीय राजमार्ग रुख हो लगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वहां पे की स्थिति जुखैनी की मैं बात करूँ चुनैनी की मैं बात करूँ जो जो है वो अभी भी जो है काम की स्थिति जो मुसाफिर है वो कहीं ना कहीं अभी भी उनको परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आपसे किशोर एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि अब रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से मूवमेंट पर लगाई गई हैं, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं क्योंकि अभी प्रायोरिटी बेसिस पर गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, तो ये कितनी देर तक ऐसे ही जारी रहेगा, और खासकर बात करते हैं हाईवे पर तो क्या अभी भी हाईवे पर जो काम है वो मलबा हटाने का किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए काम की मैं बात करूं तो सुबह से कहीं ना कहीं जो काम है वो जुस्सा आगे चल रहा है, मशीनरी जो गैमन की मशीनरी है वहां पे जरूर कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े जो बोल्डर गिरे हैं ये जरूर इस वक्त जो है वो तहसील विभाग की तरफ से वहां पे किया जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो गैमन की कंपनी वहां पे कर रही है, अभी एक तरफा ही जो गाड़ियों को वहां से खोलने की अनुमति है, लेकिन कहीं अगर वहां पे मशीनरी अभी भी कार्य करती है तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े पत्थर हैं वहां पे उनको ब्लास्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से आप बोले तो पूरी तरह से वो नेशनल हाईवे को क्लियरनेस जो है वो नहीं मिली है, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको जाने की जरूर इस वक्त जो है वो पल भी अनुमति जरूर मिली है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं हाईवे की, 13 घंटे के बाद हाईवे को खोला गया है, और हालांकि बात करें अभी भी कार्य वहां किया जा रहा है जहां पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है, हालांकि मूवमेंट की जो बहाली है वो प्राथमिकता तौर पर कर दी गई है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं, और सांबा में ट्रांसपोर्ट यार्ड यहां पर एक्सप्रेसवे का जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विवादों की वजह से जो विवाद है वो कल से ही शुरू हो गए थे, और जिसके बाद चकपंगा गुजरा के किसानों का अब यहां पर इस एक्सप्रेसवे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उनका साफ कहना है कि किसानों के पेट पर लात मारने का आरोप प्रशासन पर किसानों द्वारा लगाया जा रहा है, और किसानों ने जम्मू से अब जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया है, और कृषि योग्य जमीनों का मुआवजा ना देने पर ये जो विवाद है ये शुरू हुआ है, और किसानों ने अब सांबा से जम्मू की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। और आपको ये बता दें कि एक्सप्रेस वे का जो कार्य किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट यार्ड का वो अब उसको लेकर ये विवाद शुरू हो गया है, और किसानों का साफ कहना है कि जो कृषि योग्य यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर ये पूरा कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जो इसका कंपनसेशन है वो भी नहीं दिया गया है, और उनका साफ आरोप प्रशासन पर है कि प्रशासन उनके पेट पर लात मार रही है, क्योंकि अगर उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा तो इसके बाद से जो परेशानियां है वो उनके लिए फाइनेंशियली खड़ी हो जाएंगी, और सांबा में एक्सप्रेस वे का ट्रांसपोर्ट यार्ड जिस तरीके से विवादों में घिरता जा रहा है उसी के चलते अब किसान सांबा से कूच करते हुए जम्मू की तरफ आ रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि अब वो एलजी प्रशासन से इसको लेकर बात करेंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो किसान है वो सांबा से अब जम्मू की तरफ आ रहे हैं, और खासकर बात करें बैनर्स की तो बैनर्स पर भी साफ लिखा गया है कि जम्मू चलो,
और वहीं पर प्रशासन के ऊपर ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है, विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और कल से ही ये विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। और उन्होंने साफ कहा कि अगर एक्सप्रेस वे का ये काम चलाया जा रहा है तो उसकी वजह से जो किसान है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होगी। और इसी के साथ जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर मुआवजा ना मिलने की वजह से अब किसान भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और एलजी साहब से इंसाफ की मांग भी यहां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ये किसान और इनके परिवार जम्मू की तरफ कूच कर रहे हैं तो यहां पर अब वो एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, बात करेंगे उनसे कि ये जो एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होंगी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस पर असर पड़ेगा और किसानों पर पेट उनके पेट पर लात मारने का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी लेते हैं, हमारे साथ ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे ये पूरा मामला जानना चाहेंगे क्योंकि कल से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है जिसके बाद से किसानों को मजबूरन अब जम्मू की तरफ रुख करना पड़ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात को खुद पहुंचाना पड़ रहा है। देखिए पल भी आप बता दें कि जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे का काम लगातार निरंतर है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का, तो उसके तमाम किसानों की जमीनें जो है वो आ रही हैं, इसे कुछ कर निराश किसान जो है वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। मैं आज के मसले को लेकर बात करूं तो सांबा का जो चकमंगा गुजरा इलाका है, यहाँ के तमाम किसान जिसमें महिलाएं शामिल है, बच्चे तक शामिल है, पुरुष शामिल है, ये आज पैदल मार्च कर रहे हैं जम्मू की तरफ। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके इलाके में एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है उसके अधीन कई जमीनें आ चुकी हैं और वहां पर एक ट्रांसपोर्ट यार्ड बनाया जा रहा है जिसके चलते तमाम किसानों की जो कस्टोडियन लैंड इनको अलॉट हुई थी किसानी करने के लिए वो जमीनें जा रही है, कई आशियाने जा रहे हैं और यहाँ पर किसान इस समय काफी निराश है कि उनकी जो आजीविका का एकमात्र यही सोर्स था वो खत्म किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर इनके बच्चों की बात करें तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, नौकरियां तो नहीं है लेकिन इन्हीं जमीनों को